नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं रोजगार से जुड़े टॉप 5 वैकेंसीज के बारे में। आज रोजगार से जुड़े टॉप 5 वैकेंसी में हम आपसे बात करेंगे उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन, इंडियन एयरफोर्स, ओडिशा हाईकोर्ट, नागालैंड पब्लिक सर्विस कमीशन। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन UPHESC की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 2000 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास मास्टर्स डिग्री रेलिवेंट सब्जेक्ट में होना 55% अंकों के साथ, इसके साथ ही NET या SET या SLET क्वालिफाइड होना भी अनिवार्य है। अगर हम उम्र सीमा की बात करें तो अधिकतम उम्र सीमा 62 साल तय की गई है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो UR और OBC को 2000 रुपए देने होंगे, SC ST को 1000 रुपए देने होंगे। आखिरी तारीख 26 मार्च 2021 तय की गई है। इसके साथ ही आवेदकों से निवेदन है कि इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप नीचे एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर जरूर क्लिक करें। इसके बाद अब हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है LDC, MTS, क्लर्क, हिंदी टाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर Grade 2, फायरमैन, स्टोर कीपर, मेस स्टाफ, सिविलियन, मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर, HKS, लॉन्ड्री मैन, वल्कनाइजर, कुक, पेंटर, आया, वार्ड सहायिका, कारपेंटर, स्टोर सुपरिटेंडेंट, फायरमैन। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 255 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास मैट्रिकुलेशन या 10+2 या ITI या डिप्लोमा का होना अनिवार्य है। अगर हम उम्र सीमा की बात करें तो 18 से 25 साल तय की गई है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आवेदकों को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आखिरी तारीख 15 मार्च 2021 तय की गई है। वहीं आवेदकों से निवेदन है कि वो इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर जरूर क्लिक करें। इसके बाद अब हम बात करेंगे ओडिशा हाईकोर्ट की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 202 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो 21 से 32 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 500 रुपए आवेदकों को आवेदन शुल्क के रूप में देना होगा। आखिरी तारीख 20 मार्च 2021 है। वहीं आवेदकों को यह भी सलाह दी जाती है कि वो इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए नीचे एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर जरूर क्लिक करें। इसके बाद अब हम बात करेंगे नागालैंड पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है फोरमैन, SDO, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियर, असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट, वेटरनरी असिस्टेंट सर्जन, मेडिकल ऑफिसर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 254 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास डिप्लोमा या बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री का होना अनिवार्य है। अगर हम उम्र सीमा की बात करें तो 21 से 30 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आवेदकों को 310 रुपए आवेदन शुल्क के रूप में जमा करना होगा। आखिरी तारीख 25 मार्च 2021 तय की गई है। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वो इस वैकेंसी से जुड़े सभी आवश्यक जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर एक बार जाके जरूर क्लिक करें। इसके बाद अब हम बात करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुडुचेरी की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है ऑफिस अटेंडेंट, जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, सुपरिटेंडेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 12 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास 12वीं स्नातक और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है। अगर हम उम्र सीमा की बात करें तो अधिकतम उम्र सीमा 35 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आवेदकों से 250 से 500 रुपया आवेदन शुल्क के रूप में मांगा जा सकता है। इसके साथ ही अगर हम आखिरी तारीख की बात करें तो 15 मार्च 2021 की तय की गई है। इसके साथ ही आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वो इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी सभी आवश्यक बातों की विस्तृत जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर जरूर क्लिक करें। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।